पंद्रह और बीस से तशरीफ लाने वाले एक और मेहमान शायर मोहतरम शाकिर अली शारिक अहमद शारिक से इस वक्त गुजारिश की जाए कि वह आए और अपने कलाम से नवाजे। जोरदार तालियों के दिन में इस्तकबाल कीजिए प्लीज मेहमान शायर का। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई है जनाब समीर दिलकश साहब ने जी। और बिना किसी तमहीद के मैं अपनी बात शुरू करता हूँ क्योंकि टाइम कम है और फहरिस्त बहुत लंबी है। करता हूँ शुरू नाम से याजुल जलाल के, करता हूँ शुरू नाम से याजुल जलाल के, लाता है जो कश्ती को भर से निकाल के। करता हूँ शुरू नाम से याजुल जलाल के, लाता है जो कश्ती को भंवर से निकाल के। और नौजवानों के मतलब की बात करता हूँ जिसके लिए मैं आया हूँ कि बात कोई भी हो बाजार में आ जाती है। बात कोई भी हो, बात कोई भी हो बाजार में आ जाती है। वाह। जब गिरावट कभी निहार में आ जाती है। बात कोई भी हो बाजार में आ जाती है, जब गिरावट कभी निहार में आ जाती है। खूब मशहूर किया तेरी मोहब्बत ने मुझे, क्या कहना, खूब मशहूर किया तेरी मोहब्बत ने मुझे, मेरी हर चोट भी अखबार में आ जाती है। वाह वाह। खूब मशहूर किया तेरी मोहब्बत ने मुझे, क्या कहना, मेरी हर चोट भी अखबार में आ जाती है, अखबार में आ जाती है। नजर से दूर सही, नजर से दूर सही दिल के पास रहती है। नजर से दूर सही दिल के पास रहती है, जो चीज हमको दिलो जा से खास रहती है। वाह वाह। नजर से दूर सही दिल के पास रहती है, जो चीज हमको दिलो जा से खास रहती है, जो चीज हमको दिलो जा से खास रहती है। सुना है छोड़ दिया उसने मुस्कुराना भी, सुना है छोड़ दिया उसने मुस्कुराना भी, बिछड़ के मुझसे बहुत वो उदास रहती है। शुक्रिया। के सुना है छोड़ दिया उसने मुस्कुराना भी, क्या कहना। वाह वाह। सुना है छोड़ दिया उसने मुस्कुराना भी, बिछड़ के मुझसे बहुत वो उदास रहती है, उदास रहती है। वो अगर झूठ भी बोले, वो अगर झूठ भी बोले तो दुनिया उसकी है। आज के हालात पे वाह वाह वाह। क्या कि वो अगर झूठ भी बोले तो दुनिया उसकी है। वाह वाह। लबों पे जिसके हमेशा मिठास रहती है। अरे बहुत अच्छा है। लबों पे जिसके हमेशा मिठास रहती है, मिठास रहती है। देखिएगा कि मुख्तसर सी नज्म पढ़ देता हूँ, टाइम काफी कम है। कि कहता है देश को ये डिजिटल बना दिया, कहता है देश को ये डिजिटल बना दिया, क्या क्या? लेकिन हर एक शख्स को पागल बना दिया। मशहूर भी हुआ है चाय के नाम पर, इंसान कत्ल हो रहा है गाय के नाम पर। सरकारी जैसे कामों की ये ड्यूटी लग गई, उभरे तो नोटबंदी से जीएसटी लग गई, इल्जाम देशद्रोही के उन पर लगा दिया, निर्दोष मुसलमान को फांसी चढ़ा दिया। लाता है मुद्दा लाल किले का तो ताज का, एक तरफा हो गया है माहौल आज का। आइए बहुत खूबसूरत अशआर से नवाजे थे शारिक अहमद। सब्सक्राइब कीजिए इंडियन सोशल मीडिया को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।